देखिए बात ऐसा है कि आप किसी को स्तुति करें इसमें कोई हर्ज नहीं, प्रधानमंत्री आपका नहीं, प्रधानमंत्री हमारा भी है, हम सबका प्रधानमंत्री है, लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के लीडर है स्तुति करना ही चाहिए, लेकिन स्तुति करते करते हद की बाहर होना बेमानी लगता है ये जरूर मैं कहूंगा। आप बहुत ज्ञानी है सारंगी जी, बहुत ज्ञानी है आप, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें ये गलत है, ये जरूर मैं कहूंगा, इसमें बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूं, जरूर सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं एक बार नहीं दो दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कहां कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। हम शुरुआती तौर पे कहा मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर, नो, ये अवमानना है। बात सुनिए। अच्छा मोदी जी की 5 साल अभी आ गया, 1 साल 6 साल, तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सड़कों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना, हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सड़कों के पीछे नहीं आए, क्यों राहुल जी बाहर आए, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर आए, ये मैं पूछना चाहता हूं। बोलो अरे वो हिम्मत हमारे है, वो हिम्मत हमारे, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ गृहमंत्री, भेजो ना जेल में। देखो रामकृपाल जी, इस बार प्रचार में आप लोग कभी यही नहीं कहा कि 2G घोटाला और कोयला घोटाला, वो बाजार में अभी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, इस बार नया प्रोडक्ट लाए हैं आप लोग, क्योंकि आप बड़ा सेल्समैन है, मानता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सेल्समैन है और होना भी चाहिए। मैं उनको सराहना करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट सेल्स करने में नाकामयाब हुआ इसलिए हारा, आपने अपना प्रोडक्ट को सेल्स करने में कामयाब हुई इसलिए जीता, तो हो गया। अरे नहीं, हम तो स्वीकार करते हैं कि हम अधीर रंजन जी, प्लीज अटेंड, मैंने अपना प्रोडक्ट, हमारे पार्टी अपना प्रोडक्ट बेचने में नाकामयाब रही इसलिए हम लोग हारा और इधर बैठ गया। उन लोगों ने उनका प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, भेजाल हो या नहीं, बेचने में कामयाब हुई, सत्ता पे आ गई, तो हैरान क्या है। इसीलिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ है, इसके बारे में आप लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है, किंतु आप सबको एक परसेप्शन है दिमाग में, ये फैला हुआ है कि मोदी बाबा पार करेगा, इसलिए मोदी बाबा को पूजा करो, सब उलझन से हम निकल जाएगा। तो इसलिए आम लोगों की पूजा नहीं करते बल्कि यहां मोदी बाबा का पूजा किया जाता है, यही तो है ना। नहीं तो आज जो भाषण हुआ है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, जो भाषण हुआ है, आप कहिए महोदय जी इसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस की जिक्र कितने बार, कई बार हो चुके हैं, हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग संख्या में नगण्य हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों के लिए लड़ना हम बंद कर दें, नहीं, कोई ऐसा गलत फहमी ना करे। कभी इंदिरा गांधी कहते थे एक लोगों की ऊंचाई जितनी भी हो, अगर खाना पीना ठीक से ना हो, ज्यादा मेहनत की हो, सेहत के ऊपर नजर ना दिया हो, तो उसमें थोड़ा सूखापन, थोड़ा ढीलापन लगता है, लेकिन किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घटते। मोदी जी की ऊंचाई जितना हो, अगर खाना पीना कम हो, मेहनत ज्यादा हो, तो उनका थोड़ा दुगली पतली हो सकता, लेकिन ऊंचाई कभी नहीं गिरेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इस तरह ही है
कि हमारा गिरता नहीं, चाहे हमें कुछ दुबला पतला हो सकते, ऐसा बात नहीं। हमारा 52 मेंबर्स है, इसका मतलब दुबला पतला तो हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है नहीं है। इसलिए हम आम लोगों की बात बोलने वाला है और बोलते रहेंगे। मिसाइल डेवलपमेंट की बात आए, आप कहते हैं ना पाकिस्तान अगर ज्यादा इधर उधर करेगी तो पाकिस्तान को हम नष्ट नाबूद कर देंगे। किसके भरोसे? मिसाइल के भरोसे। वो मिसाइल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अच्छा मोदी जी, मैं मोदी जी को पूछता हूं और सबको पूछता हूं, अगर कांग्रेस की जमाने में इस तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी का काम अगर नहीं होता तो आज मोदी जी चंद्रयान की सोच कर सकते? बोलिए। तो मतलब क्या है, कांग्रेस बनाया उसके ऊपर आप बना रहे हो। मोदी जी चाहता है कि 2047 तक रहे, वो ठीक है आप रह सकते, उसके बाद तो कोई बनाएगा नहीं। 2047 साल तक हम छुट्टी दी जाते रहो, उसके बाद तो कोई नया आएगा। तो आज 2047 साल तक आपने जो काम करेगा उसी के ऊपर किसी दूसरे ने करेगा, यही तो हमारा सिलसिला है। तो इसमें ये वार ऑफ क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं आप, ये सराहना की बार क्यों करते हैं आप, यही तो मुझे बुरा लगता है। ये एजुकेशन की बात करें आप, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज़।